टीचर आशीष सिंह सिसोदिया अरविंद सिंह सिसोदिया जी समीक्षा इंस्टीट्यूट ग्वालियर थेरापति कॉलोनी हमारे साथ मौजूद है। तो नंबर्स के शुभकामना संदेश और पीएससी का नोटिफिकेशन दिया गया है जो तीन दिन दो तीन दिन पहले, तो उनसे जानते हो। देखिए मैं समीक्षा में जो समीक्षा इंस्टीट्यूट है हमारे ग्वालियर में एक सफलता का पर्याय बन गया है। यदि मेरा और हमारा जो हमारे सर हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, मींस जो डायरेक्टर हमारे नरेंद्र सर हैं हमारे, उनका और हमारी जो ये यूनिट है, यूनिट मतलब है कि जो हम सब यहाँ का जो स्टाफ मेंबर है, चाहे वो हमारे रिसेप्शन पे मैम बैठी हों या कोई भी यहाँ का कर्मचारी हो, वो सभी का उद्देश्य रहता है कि यहाँ पर बच्चे आए और अपने भविष्य को एक नया आयाम दें, अपने भविष्य के लिए एक नई राह चुने। क्योंकि होता ही है कि बच्चे 12th क्लास करने के बाद क्या है, इधर उधर भटकने लगते हैं और भटकने के कारण क्या है, वो मिसगाइड हो जाते हैं या अपने जो मार्ग है उनका जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि होता ही है कि बच्चों में टैलेंट जो है कूट कूट के भरा हुआ, लेकिन अगर उन्हें सही समय पे सही मार्गदर्शन अगर ना दिया जाए तो बच्चों का जो ब्रेन है वो किसी और भी एक्टिविटी, जो भी अदर एक्टिविटी होती है उसमें चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो बच्चों को कोचिंग इसलिए नहीं करना चाहिए कि भाई आपको यहाँ पे रिसर्व सेट पढ़ाया जा रही है, नहीं, कोचिंग करने का केवल आपका मतलब ये है बच्चा स्वयं भी घर में पढ़ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है एक फ्रेमवर्क यानी एक आपका खांचा जो है सांचा खींचा जाता है। क्योंकि बुक्स इतनी बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी बुक्स है कि पढ़ते पढ़ते उसमें आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन बुक्स का जो है आपका पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। तो कोचिंग बेसिकली इसलिए ज्वाइन करना चाहिए या इसलिए आना चाहिए ताकि आपका जो है मार्गदर्शन जो है मार्गदर्शन आपको बढ़िया मिले, आपको ये चीजें बताई जाए कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना और कहाँ से कैसे पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो महाभारत भी, लेकिन हम लोग महाभारत पढ़ के तो एग्जाम है ना, महाभारत पढ़ के जब एग्जाम नहीं निकाल सकते तो एग्जाम निकालने के लिए क्या होता है, कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ रणनीति होती है। अभी जैसे अभी जैसे कि सर ने कहा कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, अब इसका लोग बाग जो थे काफी सालों से इसमें तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई सालों से आदमी पांच पांच छह छह सालों से तैयारी करता है, बावजूद उसकी सफलता उनके हाथ नहीं लगती है। तो उनका मतलब ये नहीं है कि उनके नॉलेज में कमी है या उनकी तैयारी में कमी है, कमी आ जाती है उनकी स्ट्रेटेजी यानी कि उनकी रणनीति में कमी आ जाती है। अगर वही रणनीति हम क्लासेस में जाके अपनी कंटिन्यूटी बनाए, क्लासेस में आने से आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी यानी आपकी जो तारतम्यता है वो आपका बना रहता है। यदि हम घर में ही पढ़ते हैं तो घर में क्या करते हैं, हम बैठेंगे तो एक घंटा हो गया, चलो थोड़ा घूमिए, चलो थोड़ा मूवी देख लें, पिक्चर देख लें या मोबाइल देख लें, जो भी आपका काम है वो करते रहें, तो उसमें जो हमारे जो दिमाग की कैपेसिटी है वो क्या होती है, भंग हो जाती है। तो ये चीजें कोचिंग में क्या है आपको, और आप कभी जिम गए होंगे, अगर एक्सरसाइज आप देखो घर में भी करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, तो एक वातावरण होता है हर चीज का। जैसे आदमी दिल्ली जाता है, दिल्ली जाके कोचिंग करता है, कोचिंग तो वो कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन वहां क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां उसको एक वातावरण मिलेगा। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कॉम्पिटिशन करता है तब हमारे अंदर क्या होती है, कॉम्पिटिशन की भावना जागृत होती है। यदि आपके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना नहीं है तो ये मान के चलिए सफलता आपको हासिल नहीं होगी। यदि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो अगला आपसे 14 घंटे पढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको भाई ये मान के चलिए कि जो सरकारी नौकरियां हैं आप बिल्कुल समाप्ति की कगार पर है, तो सरकारी नौकरियां जो निकलती हैं उसमें बच्चा 10 लाख बच्चा एक पोस्ट के लिए फॉर्म डालता है। ये जैसे अभी 235 इन्होंने पोस्ट निकाली है लोक सेवा आयोग ने, अब 235 बच्चा उसमें सेलेक्ट होगा, ठीक है, 3 गुना बच्चा लिया जाएगा उसमें, लेकिन अब आप ये देखें कि कितना फॉर्म डाला जाएगा इसमें, कम से कम 2 से 3 लाख फॉर्म डाला जाएगा। तो 2 से 3 लाख फॉर्म में हमारी जगह कहाँ पे है, तो ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कई सारे चरणों में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या बनानी है, अपनी रणनीति बनानी। और रणनीति कहाँ बनाते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस यानी कि जो आपके प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं जो आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठ रणनीति बनाते हैं कि भाई आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतना घंटा जीएस पढ़ना है, इतने घंटा ज्योग्राफी पढ़ना है, इतना घंटा आपको फिजिक्स पढ़नी है, जो भी अदर सब्जेक्ट है उनके लिए। तो मेरा 9 वर्ष में जो समीक्षा इंस्टीट्यूट पे जो बच्चे आ रहे हैं उनसे यही मैं कामना करता हूँ, उनके भविष्य की कामना करता हूँ कि इस पीएससी में वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें अपना और अपनी जो सफलता है उसको निश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, ये था समीक्षा इंस्टीट्यूट ग्वालियर और जहाँ का उदाहरण मैं भी कहीं ना कहीं रेंज पा हूँ, जो 2012 का रेंज आया था पीएससी का फाइनल, दिव्या अवस्थी जबकि महोदया थी टॉप 10 लिस्ट में,
डॉक्टर लिस्ट थी वो समीक्षा इंस्टीट्यूट की नियमित छात्रा थी। और अब मिलते हैं अगली कड़ी में नरेंद्र सिंह भदौरिया जी, डायरेक्टर ऑफ समीक्षा इंस्टीट्यूट।